सो दोस्तों, कैसे आप सब? सो दोस्तों, मैं राजू, रोहित वर्मा सर जी, आप देख रहे हैं राजू, रोहित और मिथुन भाई को। हम सब गए थे वैक्सीन लगाने के लिए। गाड़ी चला रहे हैं वर्मा सर, और आगे हमें पता नहीं था इतना ट्रैफिक मिलेगा। कसम से अगर हम ट्रैफिक में रहते तो आपको अंदाज़ा नहीं था, हम कम से कम 2.5 से 3 घंटा ट्रैफिक में रहने वाले थे। इतना लंबा जाम था, कम से कम 3 किलोमीटर लंबा जाम तो होगा। तो हमने शॉर्टकट लिया और हम गलियों से निकलने लगे। लेकिन दोस्तों, मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश होने के वजह से कीचड़ हो रखा था और पुलिस वालों ने आगे जा जो घबराया घबराया सा लग रहा है। जहाँ भी मस्ती की जगह मिली वहाँ हमने थोड़ी सी मस्ती करी, राजू के साथ थोड़ी सी छेड़ाखानी करी। और यहाँ हम अभी जा रहे हैं संजय कॉलोनी की तंग गलियों से निकलते हुए, और यहाँ से हम जाएंगे सेक्टर 23, और सेक्टर 23 से फिर हम जाएंगे सोना रोड पे। आप देख सकते हैं बारिश होके रुकी है और कितना बुरा हाल है सड़कों पे, और लोग गाड़ी कहीं भी पार्क करके चले जाते हैं। और हम यहाँ पे सेक्टर 23 के लिए मुड़ चुके हैं। सेक्टर 23 से जाने के बाद आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बस क्या बताएं। तो यहाँ से हम अब सेक्टर 23 के लिए जाएंगे, और सेक्टर 23 से निकलते हुए अब हम जाएंगे फिर सोना मोड़ पे। और सोना मोड़ से हम, ये है दोस्तों सेक्टर 23, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सेक्टर बना हुआ है, और यहाँ पे हरियाली, मतलब कि क्या ही कहने, काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने। और ये सेक्टर 23 की मार्केट है। मैं तो काफ़ी 8-10 साल बाद गया था, और तंग गलियों से निकलने के बाद हम पहुंच चुके थे सोना रोड पे। गली में तो फुप्पा जी ये खड़े सोना हुए रोड सुबह का आप 5 बजे नज़ारा देख रहे हैं, अकेला मैं क्या लड़के को देख के मस्त आऊँ, जगह कहाँ रह है। गया। ये बल्लभगढ़ कंपनी फ़ोन करा फ्लाईओवर से पहले क्योंकि मुंबई फुप्पा गई जी है, वहाँ पे मैनेजर थे। यहाँ पे शायद अब भैया कोई रवि नाम का एम्बुलेंस लड़का की था, कहाँ गवर्नमेंट है? की अब जी वो तो गवर्नमेंट 12 बजे पेड़ ही निकल पौधे गया, लगा रखे हैं, उनकी और हालत वो हम खराब। राइट साइड में देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा नज़ारा हो रहा था बारिश की वजह से। फाइनली हम पहुँच चुके हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वैक्सीन लगवाने के हाँ, बाद यहाँ मौसम बहुत अच्छा था, आज गर्मी नहीं थी, ये हमारा लेकिन रोहित उसके बाद हमने जो वैक्सीन के वैक्सीन इंतजार में, लगाया अमर सिंह जी बैठे हुए, मिथुन, राजू और हम भी हैं। सब आए थे वैक्सीन लगाने के लिए, ये रोहित हमारे साथ, ठीक है, अमर सिंह जी, ये गुठलू, ओए राजू वर्मा सर जी, मिथुन भाई चला गया है कहीं, ये अंकल जी हमारे घासीराम, ठीक है। बारिश का मौसम हो गया है तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। यहाँ आए हम बल्लभगढ़, ठीक है, बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी, 60 फुट रोड, शिव मंदिर, अनीता गोस्वामी शिव मंदिर। अमर सिंह जी बता रहे पूरा एड्रेस, और देख सकते हैं बारिश, वाह। और मैं आपको दिखाता हूँ हवा का नज़ारा, ये देखिए। भीड़ काफी बढ़ती हुई है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। रोहित देख के आया था कि हमारा नंबर कब आने वाला है और कब नहीं आने वाला। तो दोस्तों, जब हमारा नंबर आने को हुआ तब भगवान इतना मेहरबान हुआ कि उसने बारिश कर दी, और लोग बारिश में भीग रहे थे लेकिन लाइन में खड़े हुए थे। हम तो भाई थोड़ा सा साइड में आके खड़े हो गए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश ऐसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब हमने सोचा तो 5 वाले लेके आएगा क्या जा? तब हमने भाजी को कुरकुरा लेने के लिए भेज दिया। अब हम कुरकुरा पार्टी करने वाले थे, एक्चुअली भीड़ काफी हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो सोचा कि कुरकुरे ही खा ले। अब हमें खड़े हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन बारिश ऐसे रुकने का नाम ले रही थी, और बारिश धीरे 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 तेज हो रही थी और पानी भी बढ़ता जा रहा था। तो आप देख सकते हैं बाइक खड़ी हुई है, पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, और हमारी आई ट्वेंटी खड़ी हुई थी, लेकिन बारिश हो रही थी। फिर अचानक से अमर सिंह जी को
कॉल आया कि आ जाओ नंबर आ जाता है। तो अमर सिंह जी भाग के गए, लेकिन वहाँ पे लाइन ज़्यादा होने की वजह से नंबर नहीं आ रहा था। और तभी हमारे सामने वो बंदा दोबारा से आ गया। गाइस ये बंदा वो है कि पूरी बारिश में छाता हाथ में लेके घूमा है, पूरी बारिश में छाता इसके हाथ में था, और बारिश होते हुए एक घंटा हो चुका है लगभग, छाता हाथ में है लेकिन भाई साहब ने खोल के नहीं देखा, पूरी बारिश में घूमता रहा, भीगता रहा। और इस तरीके से हमने अपना वैक्सीन वाला टाइम एंजॉय किया, और आप देख सकते हैं अभी भी भाई साहब ऐसे ही घूम रहे हैं।